वेलकम स्टूडेंट, हम हमारी सोशल डेविएशन की थ्योरी की कंटिन्यूशन में जिन अवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे, वे पांच अवस्थाएं जो हैं उनमें पांच में से एक जो है समाज में संतुलन बनाए रखती है, और जो चार है वो डेविएशन की स्थिति को पैदा करती है। पहला यदि हम बात करें तो वो कन्फर्मिटी की है। व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएँ होती है, अनंत इच्छाएँ, अभिलाषाएँ वगैरह होती है, और उसको प्राप्त करने के साधन भी जो वो अपने इच्छा अनुसार यूज़ करता है। समाज में सभी व्यक्ति इस संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों और आकांक्षाओं में से इन्हीं का चयन करते हैं। इसी प्रकार इन लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूर्ण करने के अनेक साधन या विधियां हैं, परंतु समाज में व्यक्ति उन्हीं साधनों द्वारा ही अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों को पूर्ण करे तो वह समाज में, या हम ये कहें वे उस प्रकार के समाज की जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो उनको मान्यता देती, मान्यता मतलब उनको सैंक्शन करती हैं। अगर आपने सपोज कई बार एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम में ये लिखा जाता है यूज़ ब्लैक पेन, यूज़ ब्लू बॉल पेन, तो आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं ना। अगर आप नहीं करते हैं तो वो आपका जो है रिजेक्ट हो जाता है। वैसा ही समाज में जो होता है वो कुछ आपकी जो इच्छाएँ, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो साधन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी सोसाइटी जो है वह प्रदान करती है। अगर आप अपने इच्छाओं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी द्वारा सैंक्शनड अगर मींस को काम में लेते हैं, साधनों को प्रयोग में लेते हैं, तो समाज में जो है वह कन्फर्मिटी की स्थिति रहती है, और अगर आप नहीं करते हैं तो नॉर्मलेसनेस की स्थिति हो जाती है। अब इसमें एक और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वह नवाचार या इनोवेशन की है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो है समाज में नवाचार जो है वह आते हैं, और इस अवस्था में व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों के चयन करता है और इनकी पूर्ति के लिए संस्थागत साधनों का चयन न करके नया नवाचार या नए बनाए गए चीज साधनों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी जब स्थिति है वो भी जो है एनोमिक स्थिति को उत्पन्न करता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा जितने भी कर्म कांड होते हैं, आप अभी रिसेंटली हमारे यहाँ श्राद्ध गई है ना, श्राद्ध में हम क्या करते हैं कि जो है हमारे पितरों के, जो हमारे पूर्वज जो है उनके डेथ के बाद हम खाना खिलाते हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जो खाना है वो उनको मिलेगा और वो हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मगर यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पितरों में तो विश्वास नहीं रखता हूँ मगर श्राद्ध के टाइम ब्राह्मणों को भोजन बुलाकर भोजन कराने में विश्वास करता हूँ, तो आपकी एक ही चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है ना। तो ये जो है डेविएशन या हम ये कहें एनोमी की स्थिति को उत्पन्न करती है। पलायनवाद या रिट्रीटनिज्म जिसको हम कहते हैं, पलायनवाद की स्थिति जब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्यों या संस्थागत साधनों को नहीं मानते हुए, वो मान ही नहीं रहा है ना, तो साधन को मानता है ना उस लक्ष्य को मानता है, और अपमान करता है या पलायनवादी कहलाता है कि मतलब वो उसको ट्रीट नहीं करता है, वो उसको मानता नहीं है, वो समाज द्वारा बनाए गए किसी भी चीज़ में वो विश्वास नहीं रखता है, ऐसी स्थिति भी जो है वो एनोमी या डेविएशन की होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विद्रोह या रिबेल करना। जब व्यक्ति सांस्कृतिक लक्ष्य या संस्थागत साधनों को त्याग कर देता है, उसको मानता नहीं है, उसको उसके स्थान पर नए साधनों या लक्ष्यों को स्थापित करना चाहता है, तो मटन के अनुसार विद्रोह की अवस्था आ जाती है, तथा ऐसे करने को समाज में जो है नो डाउट बहुत सी बार बहुत सी नई चीज़ें सही होती है, और उनको करने के लिए या उनको स्थापित करने के लिए आपको विद्रोह करना पड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा 19वीं शताब्दी में बहुत सारे, भारत की बात करूं तो बहुत सारे जो है धर्म सुधार आंदोलन, या हम ये कहें समाज में बहुत सारे जो है पुरानी मान्यताएं या पुराने जो चलते आ रहे कस्टम सिस्टम्स जो है उनको, उनका विरोध किया और उनकी जगह नए चीज़ों की स्थापना हुई। जैसे राजा राम मोहन राय ने, चाहे हम बात सती प्रथा की बात करें, चाहे चाइल्ड मैरिज की बात करें,
हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त था। लोग बाग बाल विवाह जो है वो हमारे कस्टम हमारे सिस्टम के अनुसार होता था, मगर उसका विद्रोह विरोध किया और विरोध कर जब किया तो कई बार जो है वह समाज में रह रहे लोगों की भी उनकी भी जो है उपेक्षा लोगों ने करी कि ये जो है सोसाइटी के हित में नहीं है। बट जब बेनिफिट्स जब बताए गए लोगों द्वारा या जो भी सुधार हमारे यहाँ सामाजिक सुधारवादी लोग जो रहे हैं उन्होंने जब उसके बेनिफिट्स बताए तो कानून द्वारा उसको अप्लाई करना पड़ा और लोगों को इसको मानना पड़ा। और आज आप देख रहे हो कि चाइल्ड मैरिज जो है बाल विवाह जो है पूर्णतः तो नहीं कहूँगी क्योंकि राजस्थान में कई बार जो है हमारे यहाँ अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व होता है उस समय चाहे चुपचाप तरीके से कहें या हम ये कहें पुलिस या कानून के से दूर दूर ले जाकर कहीं अन्य गांव में या कहीं अन्य जगह ले जाकर जो है विवाह करते हैं, ऐसी स्थिति भी जो है देखी जाती है। तो राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने समय में बहुत सारे विद्रोह, इनको विद्रोही व्यक्ति भी कहा जाता है, तो इन्होंने जो समाज में जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी उनका विरोध किया और विद्रोह भी किया। मटर ने इस अवस्थाओं को चित्र द्वारा भी जो है परिभाषित करने का प्रयास किया। जैसे आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि एक आदर्श स्थिति ऐसी होती है जिसमें जो लक्ष्य होते हैं जो मींस जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वह सैंक्शन द्वारा होते हैं और साधन भी जो होती है वह सैंक्शन होती है तो कन्फर्मिटी होती है। बट मींस ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वह स्वीकृत होते हैं, बट साधन जो होते हैं वह अस्वीकृत होते हैं, उसको सैंक्शन नहीं होती है। वो उसका कारण कई बार जो है वो इनोवेशंस या रिचुअलिज्म या रिट्रीटनिज्म वाली स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति जो है एनोमी उत्पन्न कर देती है। विचलन जो है अस्वीकृत, आपके लक्ष्य भी जो है अस्वीकृत होते हैं, साधन अगर आपने स्वीकृत है तब भी एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपके ऑब्जेक्टिव अस्वीकृत है और साधन भी अस्वीकृत है, वो स्थिति डेविएशन की होती है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें मोटे तौर पे, आपके साधन और आपके लक्ष्य दोनों ही जो है समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। अब आप ये जब कहते हैं कि लगभग हमारी पांचों थ्योरीज जो है सोशल प्रॉब्लम्स की, उसको हमने हमारे लेक्चर्स में जो है वो इंक्लूड किया। अब हम बात, क्योंकि सोशल प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत लंबा और लेंथी टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ऑलमोस्ट द होल ऑफ फर्स्ट यूनिट इज कवर्ड इन दिस टॉपिक। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या सोल्यूशन है, हम सोशल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो पहली बात जो हम बात करते हैं वह बहुकारवादी दृष्टिकोण, मल्टी फैक्टर अप्रोच। हम किसी एक फैक्टर के आधार पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये करो इससे हमारा जो है सामाजिक समस्याओं का जो है निदान हो जाएगा या समाधान हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समाज एक जटिल व्यवस्था है, इसलिए इससे संबंधित समस्याएं भी बहुत क्या होती है, जटिल होती है। और सामाजिक समस्या अनेक कारणों के सम्मिलित प्रभावों के कारण होती है, कोई एक कारण नहीं होता है। जब मैं फैक्टर समझा रही थी तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल रीजंस हैं क्यों समाज में समस्याएं उत्पन्न होती है। जाति व्यवस्था से संबंधित किसी भी सामाजिक समस्या को ले लीजिए, उनका कोई एक कारण निश्चित या एक कारण बताए कि अब यही कारण है जाति व्यवस्था का, ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। उदाहरण के रूप में हम अपृश्यता एक सामाजिक समस्या है हमारे सामने, धार्मिक कर्म का सिद्धांत, निर्धनता, पिछड़ापन, अंधविश्वास, अशिक्षा, राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक आदि। इस प्रकार बेरोजगारी, बाल विवाह, दहेज, भिक्षावृत्ति, भाषावाद, ये जो समस्याएं हैं इनके बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमें किसी एक सल्यूशन पे काम नहीं करना होगा, हमें मल्टी फैक्टर अप्रोच का, जैसे सपोज हमें जो है गरीबी हटानी है
तो हम गरीबी हटाएंगे, तो अशिक्षा पे हमें जोर डालना पड़ेगा, हमें बेरोजगारी पे हमें जोर डालना पड़ेगा। तो ये एक, क्योंकि ये विशेष सर्कल है, अगर हमें गरीबी हटानी है तो अशिक्षा भी हटानी पड़ेगी और हमें बेरोजगारी पे भी काम करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात है इंटर रिलेटेडनेस, सारी समस्याएं जो होती है, जो भी कारण होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में पारस्परिक संबद्धता होती है वेरियस फैक्टर्स में या वेरियस रीजंस में, जो कि मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे बेकारी की सामाजिक समस्या के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, दोषपूर्ण शिक्षा होती है, कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश व भौगोलिक गतिहीनता, नौकरी की प्रतिष्ठा, जो परस्पर एक दूसरे से रिलेटेड है, जब मैंने विशेष सर्कल की बात बताई, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है, इसके कारण ये होता है। अब जैसे मैं कहूँ बाल विवाह है, अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूँ, बाल विवाह क्यों होता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, अशिक्षा नहीं है, आपके पास शिक्षा की कमी है, अशिक्षा है, क्यों है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, और पैसा क्यों नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सॉरी बेरोजगारी है इसलिए पैसा नहीं है। तो ये जो, और बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि आपके पास उद्योग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक स्थिति जो है समाज की वो ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति क्यों नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं इसके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। तो ये जो इंटर रिलेटेडनेस की बात है, इस पर हमें काम करना है। लास्टली जो हम बात करते हैं वो सापेक्षता की या रिलेटिविटी की बात करते हैं, सामाजिक समस्या समाज तथा साधन सापेक्ष होते हैं, जिसका तात्पर्य यही है कि एक समाज में एक समय में विशेष रूप से एक क्रिया सामाजिक समस्या हो सकती है, परंतु उसी समाज में दूसरे काल में वह मान्य क्रिया हो जाती है। जैसे व्यवसाय पर प्रतिबंध, जैसे आपने एग्जांपल अगर मैं इसका दूं, तो पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ नाई नाई का काम करता था, सुनार सुनने का काम करता है, बड़ाई लकड़ी का काम करता था। तो ये जो कंपल्शन ऑफ प्रोफेशन जो था, व्यवसाय का जो प्रतिबंधता जो थी, जाति के आधार पर व्यवसाय का होना धीरे धीरे वह खत्म हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि पहले वह समस्या रही होगी, बट आज के काल में वह समस्या है या नहीं है, इसको जांचना परखना अति आवश्यक है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल प्रॉब्लम।